दोस्तों आईपीएल 2023 के लिए सभी ही 10 टीमों की रिटेंशन लिस्ट 15 नवंबर को ऑफिशियली जारी होने वाली है और इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा टीम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बारे में, आखिर आरसीबी की टीम किन किन खिलाड़ियों को रिटेन करने वाले है और किन खिलाड़ियों को आरसीबी की टीम कर देगी रिलीज, यह मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगर आप लोग आरसीबी की टीम के फैन हो तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें आईपीएल 2023 की नीलामी यानी कि ऑक्शन हम सभी को अगले महीने 23 तारीख को देखने को मिलेगा, यानी कि 23 दिसंबर को आईपीएल 2023 का ऑक्शन होने वाला है और ये ऑक्शन आप सभी को बता दें कोची यानी कि बेंगलुरु के अंदर हम सभी को दिखाई देगा। खैर हम बात करें यहाँ पर रिटेंशन की, जो कि हम सभी को अब 3 दिन बाद यानी कि 15 नवंबर को दसवीं आईपीएल टीमों की मिलने वाली है, यानी कि दसवीं आईपीएल टीमें बीसीसीआई को रिटेंशन और रिलीज लिस्ट की प्लेयर जो है वो सौंपेगी। अब हम बात करते हैं टीम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की, आखिरकार आरसीबी की टीम किन किन खिलाड़ियों को रिलीज करेगी और रिटेन करेगी। तो सबसे पहले आप सभी को बताएं कि आईपीएल 2023 से पहले मिनी ऑक्शन किया जाएगा, यानी कि ऑक्शन में आईपीएल टीमों का पर्स बैलेंस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा जो कि हमें पिछली बार मेगा ऑक्शन में देखने को मिला था। तो इस बार मिनी ऑक्शन होगा तो जो टीमें हैं वो कम से कम खिलाड़ियों को रिलीज करेगी। आरसीबी की टीम का जो रिमेनिंग पर्स बैलेंस लास्ट ईयर बचा था वो था 6,55,00,000 रुपये, इतना पर्स बैलेंस आरसीबी की टीम के पास अभी मौजूद है और अब आरसीबी की टीम जितने खिलाड़ी रिलीज करेगी तो उनकी जो अमाउंट रहेगी वो इस पर्स बैलेंस में ऐड होती रहेगी। अब किन खिलाड़ियों को आरसीबी की टीम जो है वो रिलीज करने वाली है, तो कुछ ऐसे नाम है जो कि हमें ऑलमोस्ट कंफर्म नज़र आ रहे हैं कि आरसीबी की टीम की तरफ से रिलीज लिस्ट में दिखेंगे। पहला नाम है डेविड विली, दूसरा नाम करण शर्मा, तीसरा सिद्धार्थ कौल, चौथा आकाशदीप और पांचवा नाम है शेरफन रदरफोर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये पांच ऐसे नाम है जो कि हम सभी को शायद कंफर्म आरसीबी की टीम की रिलीज लिस्ट में शामिल होते हुए नजर आएंगे। डेविड विली की अमाउंट है 2 करोड़, सिद्धार्थ कौल की 75 लाख, करण शर्मा 50 लाख, अक्षदीप 20 लाख और रदरफोर्ड की 1 करोड़। तो ये पाँच खिलाड़ी आरसीबी की टीम जो है वो रिटेंशन लिस्ट के दौरान अनाउंस कर सकती है, इन खिलाड़ियों को आरसीबी की टीम रिलीज करेगी और हो सकता है कुछ और खिलाड़ी आरसीबी की टीम जो है वो हम सभी को रिलीज करते हुए नजर आए, क्योंकि आरसीबी की टीम को अपना पर्स बैलेंस जो है वो इतना भी कम नहीं रखना है कि आरसीबी की टीम किसी बड़े खिलाड़ी को ऑक्शन में खरीद ही ना पाए। वहीं अगर हम दूसरी तरफ रिटेंशन लिस्ट की बात करें तो मैं आपको कुछ बड़े नाम बता देता हूं जो कि आरसीबी की टीम की तरफ से रिटेन होंगे। विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस, वनिंदु असरंगा, हर्षल पटेल, रजत पाटीदार, दिनेश कार्तिक, हेजलवुड, मोहम्मद सिराज, फिन एलन, ये सभी खिलाड़ी रिटेन होने वाले हैं। इनके अलावा भी कुछ और खिलाड़ी हैं, आप पूरी लिस्ट जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखिए, टेलीग्राम पर आपको रिटेंशन लिस्ट आरसीबी की टीम की पूरी मिल जाएगी। तो फटाफट आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही आईपीएल 2023 से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।